আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চলো খুদ সিখুঙ্গা অর দূসরি কো সিখাউঙ্গা। তো ভিউয়ার্স, আজ মেনে জো ভিডিও লেকে আপ লোগো কা সামনে হাজির হুয়া, এ ওয়ালা ভিডিও মে মেনে আপ লোগো কো দেখাউঙ্গা ক্যাসে সিঙ্গেল নিডল অটো প্লেন মেশিন মে হুক কা জো মেন শেপ রেতে, হুক মেন শেপ ক্যাসে সেন্স করনে কা অর ব্যাগ স্টিচ সোলো নাইট সেটিং করনে কা অর ক্যাম টাইমিং ক্যাসে করনে কা এ টু জেড ফুল ইনফরমেশন মেনে আজ আপ লোগো কো ইসি ভিডিও মে মে দেখাউঙ্গা। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग मेरा चैनल में नया है तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बाजू में जो घंटा आइकन बेल रहते हैं उसको प्रेस करके रखना है। फिर मैंने एसी वाला जो वीडियो लेके आऊँगा एसी वाला वीडियो आप लोगों का मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन के हिसाब से आ जाएगा। मैं लौट आऊँगा थोड़ा देर बाद। तो व्यूअर्स, मैंने लौट आया एंट्रो का बाद, आप लोग मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। तो व्यूअर्स, मैंने आज इसी वीडियो में 3-in-1 वीडियो बनाया था। एक ही वीडियो में तीन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आउट ऑफ सिंगल निडल प्लेन मशीन का जो हुकर बार रहते ए बार सेंस करने का और बैगस्टिक सोलोनाइट सेटिंग करने का और कैम टाइमिंग सेटिंग करने का। तीनों वीडियो मैंने एक साथ में लेके आया आप लोगों के लिए। तो मैंने पहली बार आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे जो सिंगल निडल प्लेन मशीन का हुक का जो बार रहते ए बार कैसे सेंस करने का। ये बार सेंस करने के लिए हम लोगों को जो बैग स्थित सोलोनेट देख रहे हैं आप लोग, ये सोलोनेट निकलना पड़ेगा। निकलने के बाद हम लोग बार सेटिंग करेगा। तो बार सेटिंग करने के लिए आप लोग देख रहे हैं बार का दो बाजू में, एक बाजू में थोड़ा सा एक छोटा जिप छिद्रो रहते हैं, जिस साइड में ऑयल आते उसी साइड हम लोगों को बायर रखना पड़ेगा और जिस साइड में मार्क रहते वो मार्क वाला बार हम लोग को अंदर डालना पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा मशीन मैंने जब भी ऊपर उठाया, उठाने के बाद हम लोग अभी देख रहे हैं नीचे तीन भूस रहते बार, जिसे बार जिसे हम लोग जिधर से बार अंदर डालेगा उधर तीन भूस रहेगा। ये भूस हम लोगों को अच्छा रहना चाहिए, अगर ये भूस जाम रहेगा तो हम लोग को भूस भी सेंस करना पड़ेगा। तो मैंने जिस बार का जिस साइड में लॉक है ये लॉक वाला साइड अंदर घुसाया, घुसाने के बाद हम लोग अभी जो नाइफ का कैम रहते एक कैम सेटिंग करने का। तो व्यूअर्स, मैंने अभी जो देखा रहा हूँ इसी वाला कैम हम लोगों को डाइन साइड में रख के जिस साइड में शेप रहेगा कैम का जो साइड में शेप इस शेप वाला साइड हम लोगों को डाइन साइड अर्थात राइट साइड में रख के फिर हम लोगों को थोड़ा सा जो बार रहते ए बार हल्का सा अंदर घुसाने का, घुसाने के बाद बाद में हम लोगों को बार अंदर घुस जाएगा। घुस जाने के बाद हम लोगों को थोड़ा थोड़ा बाड़ी दे के बार को थोड़ा अंदर लेके जाएगा। तो व्यूअर्स, इधर हम लोग दो भूस देख रहे हैं छोटा छोटा, ए छोटा छोटा जो भूस देख रहे हैं ए भूस को हम लोगों को कैम का अंदर डालना पड़ेगा। हम लोग जो नाइफ कैम जो सेटिंग कर रहा हूँ ए नाइफ सेटिंग कैम का अंदर छोटा दो भूस रहते, एक भूस अंदर डाल के फिर ऊपर से हम लोग स्क्रू लगाएगा। तो व्यूअर्स, इधर दो स्क्रू रहेगा, ये दोनों स्क्रू के लिए अंदर दो बूश डालना पड़ेगा। अगर आप लोग बूश नहीं डालेगा तो फिर भी चलेगा, लेकिन बूश डालेगा तो फिर जब भी हम लोग स्क्रू टाइट करेगा टाइट करने का टाइम पे हम लोगों को एक कैम थोड़ा सा नहीं घुसेगा, इधर उधर नहीं घुसेगा, इसलिए हम लोगों को अंदर बूश डाला। तो बूस डालने के बाद ऊपर से हम लोग स्क्रू डाल देंगे। तो व्यूअर्स, मेरे को मालूम नहीं हिंदी कैसा हो रहा है, फिर भी मैंने हिंदी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नहीं समझा तो फिर मेरा चैनल को नीचे जो कमेंट बॉक्स है एक कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग पहली बार हम लोग कैम लगाया था, अभी दूसरी बार हम लोग इधर एक जाम बूश रहेगा, ये जाम बूश हम लोग दूसरी बार डालेंगे। किस लिए डालेगा, जैसे हम लोग जो बार डाल रहा हूँ मेन शेप, ये मेन शेप राइट एंड लेफ्ट साइड में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग इधर एक बूश डालना पड़ेगा। तो हम लोग स्क्रू टाइट नहीं करेगा, थोड़ा सा लूज रख के फिर हम लोग बार अंदर घुसा के रहेगा, घुसाते रहेगा। तो घुसाने का टाइम पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इधर मेन शेप में एक मार्क रहेगा, ये मार्क हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मार्क फॉलो करने के लिए हम लोग अभी थोड़ा सा जो कैम का नाइट टाइट करके इधर जो बार देख रहे हैं ये बार का आखिर में आप लोग देखेगा इधर एक थोड़ा सा मार्क रहेगा, ये मार्क का अंदर हम लोगों को जो पिनियम, ये पिनियम का स्क्रू ए मार्क में रखना चाहिए।
इसलिए हम लोग इधर मार्ग फॉलो करके फिर जो बार ए बार पीछे आबार लौटा देगा। लौटाने के बाद हम लोग इधर जो पिनियम ए पिनियम डालना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग का जो बार रहते हैं, एक बार हम लोग का मार्क ध्यान कर लिया। ध्यान करने के बाद हम लोग को बार पीछे हटाना पड़ेगा। पीछे हटाने के बाद हम लोग इधर पिनियम डाल के फिर हम लोग पिनियम का नाट टाइट करेगा। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग पिनियम सामने से हल्का पकड़ा के फिर जो बार रहते एक बार इसी साइड से थोड़ा सा टोका देगा। हल्का हल्का बारी देने के बाद हम लोग बार अंदर घुस जाएगा। घुसने के बाद हम लोग देखेगा जो पिनियम का अंदर से बार बाहर निकल आएगा, मेन शेप थोड़ा सा बाहर निकल आएगा। तो हम लोग जितना रखना चाहिए, तो एक बार हम लोगों को जो पिनियम देख रहा है, ये पिनियम का समान आना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए और कम भी नहीं आना चाहिए। मैं आप लोगों को देखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके देखा रहा हूँ कितना तक बार आना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं अभी मेरा पिनियम का अंदर से थोड़ा सा बार बाहर निकल आया। तो इतना तक आएगा तो बस काफ़ी है। तो इससे ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए और कम भी नहीं आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए हम लोगों को। इतना आएगा तो फिर काफ़ी। अभी हम लोग क्या करेगा, ये पिनियम का जो नाट रहते स्क्रू, ये स्क्रू टाइट कर देगा, फुल टाइट कर देगा। तो व्यूअर्स, मैंने बंगाली आदमी, मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आते, फिर भी आप लोग बहुत सारा आदमी इंडिया से कमेंट किया आप लोगों के लिए हिंदी वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे को जितना मालूम है मैंने इतना कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप लोग समझे तो अच्छा है, अगर नहीं समझा तो फिर आप लोग मेरा वीडियो का जो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकता है, मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब दूंगा। और व्यूअर्स, आप लोग मेरा चैनल में नया आए तो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसको बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको फेस करके रखना है। फिर इसी वाला जितना वीडियो है मैं अपलोड करूँगा, इसी वीडियो आप लोग का मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन हिसाब से आ जाएगा। तो व्यूअर्स, हम लोग अभी पिनियम लगा लिया। लगाने के बाद अभी जो लेफ्ट साइड में जो बूश रखा था, ये बूश अंदर रख के फिर हम लोग स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। इसलिए अंदर रख के स्क्रू टाइट करेगा, जैसे हम लोग जो बार लेफ्ट एंड राइट साइड में नहीं आना चाहिए, गजना नहीं चाहिए। अगर गजेगा तो फिर हम लोगों को वो हुक का टाइमिंग सही से नहीं रहेगा, नीडल टूट जाने का डर है और थ्रेड भी काटने का डर है। इसलिए हम लोग ये बूश अंदर घोचा के फिर स्क्रू टाइट कर देगा। तो टाइट करने के बाद अभी हम लोग जो करना है, हम लोगों को बार इंस्टॉल कर दिया। अभी करने के बाद हम लोग जो सोलोनाइट, तीन नंबर ऑप्शन सोलोनाइट, अभी हम लोग सेटिंग करेगा। इसी सोलोनाइट से हम लोगों को बैग स्टिच होता है, तो इसलिए हम लोगों को सोलोनाइट ध्यान से सेटिंग करना पड़ेगा। तो सोलोनाइट के अंदर जो थोड़ा छोटा सा एक लोहा का जो एक राउंड शेप रहते, ये शेप हम लोगों को निकलना पड़ेगा। निकलने के बाद हम लोग सोलोनाइट को स्क्रू से सेटिंग करके टाइट करना पड़ेगा। तो हम लोग जिसी तरफ से सेटिंग करेगा, ये स्क्रू हम लोगों का सोलोनाइट के मिडिल पोजीशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रू लूज करने के बाद हम लोग सोलोनाइट थोड़ा सा लेफ्ट ऑन राइट साइड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग मिडिल पोजीशन में रख के फिर स्क्रू टाइट कर देगा। टाइट करने के बाद हम लोग जो अंदर से शेप बाहर निकला, इन अंदर शेप डाल के फिर हम लोग सेटिंग करेगा। तो मैंने आप लोगों को टाइटल में देखाया था 3-in-1 वीडियो, एक ही वीडियो में तीन सब्जेक्ट दिखाने वाला था। तो पहले बार मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे सिंगल नीडल ऑटो सिंगल नीडल प्लेन मशीन का जो मेन शेप हुक का बार इंस्टॉल करने का, तो मैंने हुक का बार आप लोगों को दिखाया कैसे करने के लिए। अभी हम लोग बैग स्टिच का सोलोनाइट सेटिंग कर रहा हूँ। तो अंदर बैग स्टिच का सोलोनाइट के अंदर रिफिट डाल के फिर हम लोग इधर स्क्रू लगा रहा हूँ। तो हम लोगों को स्क्रू लगाने के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्रू में ऊपर एक बोल्टू रहेगा, नाट का जो बोल्टू, ये बोल्टू लगा के ऊपर से हम लोग जाम नाट से टाइट कर देगा। तो फिर हम लोग ऊपर से टाइट करने के बाद
हम लोगों का बैग स्टिच इच्छा तरह से काम करेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा टाइट करने के बाद थोड़ा सा जाम हो जाते हैं, इसलिए हम लोग नट को थोड़ा सा लूज करके ऊपर से बोल्टू से टाइट कर लिया, इसलिए हम लोगों को बैग स्टिच अच्छा से काम कर रहा है। तो व्यूअर्स, मैंने बार सेटिंग किया, अभी बैग स्टिच सोलनॉइड भी सेटिंग किया, अभी मैंने कैम सेटिंग करूँगा। तो कैम सेटिंग करने के लिए हम लोगों को मशीन को थोड़ा सा चला के फिर न्यूट्रल में लेके आना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं मेरा पुली पोजीशन न्यूट्रल में आ गई है। आने के बाद अभी हम लोग जो कैम इधर रखा था, एक कैम इधर एक रिफिट देख रहे हैं आप लोग सोलोनाइट के, इधर एक रिफिट, एक रिफिट के अंदर घोचा के थोड़ा सा निकल देगा, इतना निकलेगा रिफिट का बाहर हम लोग 2 मिली बाहर रखना चाहिए, इसलिए 2 मिली बाहर रखना चाहिए। जैसे हम लोग जब भी मशीन चलेगा, चलने का टाइम पे हम लोगों को कैम भी बार का साथ सेम घूमेगा, तो घूमने का टाइम पे रिफिट के साथ टास्क करेगा तो नीडल टूट जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बाहर रखेगा। तो ये कैम टाइमिंग का और एक वीडियो है मेरा चैनल में, आप लोग चाहे तो इसी वीडियो में भी देख सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, कैम टाइमिंग कैसे करने का, थ्रेड छोटा और बड़ा करने का, A to Z फुल इन्फॉर्मेशन दिया। तो मैंने आज आप लोगों को दिखाया था सिंगल नीडल प्लेन मशीन का बार इंस्टॉल और बैग स्टिच सोलोनॉइड सेटिंग और कैम टाइमिंग। आप लोग देख रहे हैं अभी मेरा कैम टाइमिंग सही से हुआ, इसलिए हम लोग का मूविंग नाइफ काम कर रहा है। अगर कैम टाइमिंग सही से नहीं हुआ तो मूविंग नाइफ नहीं काम करने वाला था। तो आज इधर तक ही, लौट आऊँगा दूसरी एक वीडियो लेके, तब तक आप लोग खुश रहो, अच्छा लो, आज इधर ही, अल्लाह हाफिज़।